नमस्कार, ई खबर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिंस राणा। आज आपको मैं बताने वाला हूं मुद्दे की खबर। जोखिम लेने से डर रहे हैं बैंक। सरकार कर्ज देने के लिए कह रही है, लेकिन कर्जदाता अपने पैसे को आरबीआई के पास रख रहे हैं। भारतीय बैंकों के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन वे छोटी कंपनियों को लोन देने से कतरा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बैंकों को प्रोत्साहित कर रहा है कि बैंक कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा कर्ज दें, लेकिन बैंक कर्ज नहीं देना चाह रहे। अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस महामारी के नकारात्मक प्रभावों के बीच बैंक अपने पैसे की सुरक्षा पर अधिक जोर दे रहे हैं। इसीलिए वाणिज्यिक बैंकों ने रिकॉर्ड 62 अरब डॉलर की राशि आरबीआई के पास जमा कर रखी है, जबकि इस पर बैंकों को बहुत कम ब्याज मिलता है। इसके कारण कंपनियों को राहत देने के लिए सरकार को आगे आना पड़ा। सरकार ने एमएसएमई सेक्टर और गैर पारंपरिक कर्जदाताओं के लिए बुधवार को बाजार में नकदी बढ़ाकर और सरल ऋण के जरिए 62 अरब डॉलर की राशि की राहत दी थी। आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव ने कहा कि कर्ज नहीं दिए जाने का कारण नकदी या ब्याज दर नहीं है, बल्कि जोखिम लेने की भावना का अभाव है। इसके कारण सरकार को कई कड़े कदम उठाने पड़े और वह बैंकों को भी गारंटी दे रहे हैं। कृषि लिमिटेड के मुताबिक बैंकों पर पहले से ही बैड लोन का दबाव है। इस बीच कोरोना वायरस के कारण देश में लॉकडाउन भी लागू हो गया है। लॉकडाउन के कारण जहां आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई हैं, वहीं बेरोजगारी भी 27% पर पहुंच गई है। चालू कारोबारी साल में कर्ज की वृद्धि दर घटकर 2 से 3% पर आ सकती है, जो एक साल पहले 6% पर थी। जबकि चीन की स्थिति अलग है, वहाँ सरकार की अपील के बाद सरकारी बैंकों ने पहली तिमाही में 62% ज़्यादा लोन दिए थे। एक साल पहले की समान तिमाही में बैंकों ने 20% ज़्यादा लोन दिए थे। भारत में लोन नहीं मिल पाने के कारण छोटे कारोबारी इकाइयों के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है। ये लघु उद्यम देश की अर्थव्यवस्था में 1/3 योगदान करते हैं। ये देश में सबसे ज़्यादा रोजगार देते हैं। थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक लॉकडाउन के कारण पिछले महीने देश के 12 करोड़ लोगों की नौकरी छूट चुकी है। ब्रोकरेज कंपनी आनंद राठी के मुख्य अर्थशास्त्री सुजान हाजरा ने कहा कि ट्रेंड के बदलने में सरकार के नए कार्यक्रम को आर्थिक सफलता मिलने की उम्मीद नहीं है। नए पैकेज के तहत एमएसएमई सेक्टर को 4 साल के लिए करीब 40 अरब डॉलर के लोन की गारंटी दी गई है। इसका लाभ 45 लाख कंपनियों को मिलेगा। कंपनियों को 12 महीने के लिए लोन भुगतान पर मोरेटोरियम दिया गया है। इसके बाद भी यदि कंपनियां डिफॉल्ट करती है तो उसका बोझ सरकार उठाएगी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक हाजरा ने कहा, इस कार्यक्रम का लाभ देश की 6 करोड़ छोटी कंपनियों के 10वें हिस्से में को भी मुश्किल से मिलेगा। बैंक इन लोन के डिफॉल्ट का जोखिम अपने बैलेंस शीट पर नहीं लेना चाहते हैं। नकदी के अभाव में 2 करोड़ और लोगों की नौकरी छूट सकती है। इस बीच A+ और इससे कम रेटिंग वाले रुपया कॉरपोरेट ब्रांड की बिक्री 9 साल के निचले स्तर पर आ चुकी है। एक्सिस बैंक के CEO अमिताभ चौधरी ने पिछले महीने मार्च तिमाही का नतीजा जारी करने के बाद कहा कि अगर मैं अपनी खिड़की से बाहर देखूं तो मुझे कोई आर्थिक गतिविधि नज़र नहीं आएगी। संभावित बैड लोन के विरुद्ध बैंक का प्रोविजन 185% बढ़ गया है। नया लोन लेने से पहले मुझे यह समझना होगा कि मैं कितना जोखिम ले रहा हूं। फिलहाल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। शेयर बाजार का बैंकिंग इंडेक्स इस साल करीब 41% गिर चुका है, जबकि इस दौरान मुख्य सूचक में सिर्फ 25% गिरावट आई है। RBI ने लॉकडाउन के दौरान कॉरपोरेट सेक्टर के लिए जो फंडिंग कार्यक्रम जारी किया, उसके प्रति बैंकों की प्रतिक्रिया से भी बैंकों के संकोच का पता चलता है। फंडिंग कार्यक्रम की पहली किस्त 3 गुना सब्सक्राइबर हुई। जानकार सूत्रों ने बताया, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा स्टील, लार्सन एंड ट्रुगो और महिंद्रा टेक महिंद्रा ने RBI के स्पेशल रिफोर्सिंग विंडो के जरिए ऑफर किए गए 1,13,00,000,000 का करीब 1/4 हिस्सा हासिल किया है। जब RBI ने देखा कि पहले राउंड अधिकतर लाभ बड़ी कंपनियों ने ले ली थी, तो दूसरे राउंड को RBI ने कम रेटिंग वाले शेडो बैंक को लक्षित किया। ये शेडो बैंक थे जो छोटी कंपनियों को ज़्यादा कर्ज देते थे। ऑफर किए गए 250 अरब डॉलर रुपये में इन बैंकों ने सिर्फ आधा ही लिया। महामारी से पहले भारतीय बैंकों के लोन की वृद्धि दर में गिरावट देखी जा रही थी। बैंक सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे और फंड को RBI के पास रख रहे थे। 27 मार्च को जब RBI ने वित्तीय प्रणाली की स्थिरता लाने के लिए और कर्ज को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग कार्यक्रम शुरू किया, तब से बैंकों ने हर दिन रिकॉर्ड राशि RBI से जमा की। जबकि RBI में पैसे रखने के बैंकों को महज 3% मिलता है। फिच रेटिंग्स के एक निदेशक शाश्वत गुहा ने कहा कि संपत्ति की गुणवत्ता और खराब होने की आशंका से बैंक आगे भी जोखिम लेने से कतरा रहे हैं। फिलहाल अभी इतना ही। कैमरामैन परवेश राणा के साथ ई खबर न्यूज़।